स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? ए 20%, बी 17.7%, सी 10%, डी 8.3%। आंसर बी 17.7%। एक्सप्लेनेशन: तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। भारत ने 2030 सतत विकास लक्ष्य SDG की समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला प्रश्न: किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। आंसर ए थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन: थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न: US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? ए मिशेल ओबामा, बी जो बाइडन, सी कमला हैरिस, डी डोनाल्ड ट्रंप। आंसर डी डोनाल्ड ट्रंप। एक्सप्लेनेशन: डोनाल्ड ट्रंप ने US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 279 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। अगला प्रश्न: हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए थाईलैंड, बी भूटान, सी भारत, डी नेपाल। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के 3rd संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी और ये द्विवार्षिक आयोजन है, जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के प्रमुखों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया और इसका विषय था IOR में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। अगला प्रश्न: कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? ए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, बी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, डी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म। आंसर सी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। एक्सप्लेनेशन: चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTI द्वारा निर्मित ये फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिने सेलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुकी है।